जय माता दोस्तों, सदागति का दर्पण ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि जून माह में जो है शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, शनि वक्री होने से किन राशि वालों को क्या नुकसान हो सकता है या क्या फायदा होने का संकेत है। अगर आपकी यह राशि है तो आप हो जाइए सावधान, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर आपकी यह राशि है तो आपको विशेष फायदा भी शनिदेव कर सकते हैं, क्योंकि मित्रों कलयुग में जो है शनि देवता जो है सात चीजों के दाता हैं, आयु जीवन मृत्यु कारण विपद संपत्ति प्रदाता शनि। अगर शनि आपकी कुंडली में ताकतवर हैं, शनि आपकी कुंडली में अच्छे पोजीशन बैठे हुए हैं, अच्छे भाव बैठे हुए हैं, आपको रंग से राजा बना सकते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 29 जून के बाद जो है शनि जो है कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। जब कुंभ राशि में वक्री होंगे शनि, तो वृष राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप कोई नया कार्य करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता मिल सकता है। उसके साथ अगर आप कोई नया उद्योग चलाना चाहते हैं तो भी आपके लिए विशेष लाभ कर सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे भाव में बैठे हुए हैं और गोचर में भी शनि अच्छे भाव बैठ रहे हैं, तो इन राशियों का डंका निश्चित तौर पर बच सकता है, आपको कोई विशेष पदवी मिल सकता है। उसके साथ साथ जो है कुछ नए दुश्मन आपके पैदा हो सकते हैं। जैसे ही आपको कोई विशेष सफलता मिलने वाला होगा तो किसी न किसी प्रकार से उसमें रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं इसलिए आज बताना चाहता था कि अगर आपकी कुंडली में यह योग है और शनि महाराज वक्री हो रहे हैं तो आपको कैसे बचना चाहिए और कैसे आपको विशेष लाभ लेना चाहिए या कैसे आपको शनि विशेष लाभ कर सकते हैं। अगर आपकी यह राशि है तो आप सावधान भी रहें, क्योंकि आपका बनता काम बिगड़ भी सकता है। तो आपको करना क्या है, शनि देव को ज़्यादा पसंद करना है और पसंद करने के बाद जो है शनि देव जो है आपको मन वांछित फल दे सकते हैं। आपको करना क्या है मित्रों, अगर आपकी यह राशि है, क्योंकि इन राशियों पर जो है कुछ राशियों पर साढ़े साथी का प्रभाव और ढैया का प्रभाव चल रहा है, जिसके कारण जो है आपके बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। आपको अगर अपना काम बनाना है तो यह उपाय आप जरूर करें, जिससे आपको विशेष लाभ होगा। उपाय आपको क्या करना है, शनिवार के दिन जो है 21 जोत बनाना है और शनि देव के पास जो है उसको जलाना है। उसके साथ साथ जो है शनि देव का जो दान से संबंधित वस्तु है उसको दान करना है आपको, जिससे आपको मन वांछित फल की प्राप्ति होगा। अगर आपने यह दान पुण्य नहीं किया तो निश्चित तौर पे यह जो शनि वक्री हुए हैं आपकी राजगति छीन सकते हैं, आपको विशेष नुकसान दे सकते हैं, आपको आर्थिक हानि पहुंचा सकते हैं या तो आपका बना बनाया काम बिगाड़ सकते हैं। मित्रों, आपको उपाय क्या करना है उस विषय पर हमने बताया। और शनिवार के दिन काली उर्द का दाल, उसके साथ साथ काला कपड़ा और एक नारियल पानी वाला लेकर के आप किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं, जिससे आपको विशेष लाभ होगा। जय माता दी।